पिछली वीडियो में आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर. वी हैव ऑलरेडी क्लियर द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव पार्टनर एज वेल एज स्लीपिंग पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर. नाउ आफ्टर दिस थ्री वी आर गोइंग टू टेक टूडे पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. बट बिफोर वी कंटिन्यू आई रिक्वेस्ट इफ यू लाइक माई वीडियो, और अभी तक अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो काइंडली सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियो. सो लेट्स मूव टू द फोर्थ टाइप ऑफ पार्टनर एंड दैट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. नाउ यू कैन सी दिस इमेज. ये भाई साहब कैसे आराम से बैठे हुए हैं और उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से पैसा मिले, दैट्स ओनली ही वॉन्ट्स. जैसे आप यहाँ पे टॉम का गिफ्ट देख रहे हैं कि उसको कुछ काम नहीं करना है, बट ही ओनली वॉन्ट्स मनी, राइट? सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली? लेट्स हैव अ लुक. ही विल ओनली शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज. इवन वेन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज ही विल बी लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, बट ही विल नॉट शेयर लायबिलिटीज. हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं. ही विल ओनली शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. तो फर्म के जो प्रॉफिट है वो ही ये भाई साहब शेयर करेंगे. ही विल नॉट बी लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज. अगर कंपनी की, फर्म की कोई भी लायबिलिटीज है तो ये जो पार्टनर है वो किसी भी तरह से लायबल नहीं है. व्हेन डीलिंग विद थर्ड पार्टी ही विल बी लायबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली. आप देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी डीलिंग हो रही है, कंपनी का फंक्शनिंग हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो ये जो पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जब होगा तो ही वो इन्वॉल्व रहेंगे. ही विल नॉट शेयर लायबिलिटीज एट एनी कॉस्ट, राइट? Now, what are the advantages of partner in profit only? Here we have two advantages. Number one, associated for his money and goodwill. And number two, liable for all acts of profit only. Agar sabse pehle hum baat kare, he is associated for his money and goodwill. Jab paise ki baat hoti hai, tabhi wo associate rahega. प्रॉफिट की बात होती है तभी वो कनेक्टेड रहेगा. प्रॉफिट के अलावा कोई भी जिम्मेदारी में उसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, राइट? एंड इज लायबल फॉर ऑल एक्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली. और अगर कोई भी प्रॉफिट की बात हो रही है, ऑल एक्ट ऑफ प्रॉफिट, सो ही विल ऑलवेज बी लायबल. अंडरस्टूड? के साथ अगर हम दो डिसएडवांटेज की बात करें, देयर आर आल्सो टू डिसएडवांटेज. नंबर वन, लायबिलिटी इन द फर्म्स डेट दैट इज अनलिमिटेड एंड नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट. ये बड़ी ध्यान में रखने की सी चीज है. लायबिलिटी इन द फर्म डेट्स दैट इज अनलिमिटेड फॉर द पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. उनकी जो लायबिलिटी होती है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डेट, दैट इज अनलिमिटेड. अगर डेट की बात होगी तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. और ऐसे पार्टनर They are not allowed to take part in management. अगर management की बात होती है तो ये जो partner है उनको management में participation के लिए उनको बुलाया नहीं जाता. They are not allowed to take part in the management. So friends, if you like this video, don't forget to comment and share with your friends. And yes, please subscribe my YouTube channel, that is Tuesday Thrifty Antiquity, to get more video. Thank you so much.